अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। धर्म और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन निश्चित रूप से सराहनीय है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसका समापन हुआ। बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के ठोकरदारा आज आप पहुँचे हैं। यहाँ पर 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ है समाज सेवी विजेंद्र चौधरी जी। हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो सत्संग समारोह किया जा रहा है, इनका क्या सहयोग है। बनमनखी के ठोकरदारा में 2 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बनमनखी ठोकरदारा वासियों की ओर से एक चंदा कलेक्शन करके श्रीमत सत्संग मेही बाबा का एक सत्संग का 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, जिसका आज आखिरी दिन है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में भक्तगण सत्संग स्थल पर पहुँचे हैं और बहुत अच्छा से परिवर्तन चल रहा है। लोग शांतिपूर्वक प्रवचन से लाभ उठा रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आपके द्वारा का कोई सहयोग भी किया गया है? मेरे द्वारा निःशुल्क जल सेवा है और निःशुल्क चाय की व्यवस्था मेरे तरफ से किया गया है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। कितने के तादाद में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं? 3,000, 4,000, 2,000 प्रतिशत लोग आते हैं, सत्संग सुनते हैं, चले भी जाते हैं। कम से कम 2,000 और 3,000 आदमी पंडाल में बैठे हुए। ये जो भोजन का प्रबंध कराया गया है, ये गांव के ही लोग हैं कि बाहर से जो आए वो है? नहीं, वो गांव की तरफ से भोजन का व्यवस्था है और जहाँ से भी कोई भी व्यक्ति यहाँ आके अपना भोजन कर सकते हैं, ये प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तमाम बनमनखी वासियों को क्या कहेंगे आप? तमाम बनमनखी वासियों को यही कहेंगे कि आप जब भी इस तरह से भक्ति में जुड़े, ताकि संतमत सत्संग का प्रचार हो, प्रसार हो, लोग इसके प्रति रुझान हो जाए, तो समाज में एक बहुत बड़ा माहौल बनेगा, कल्याण होगा समाज का। क्या परिचय हो आपका? मेरा नाम विजेंद्र चौधरी है। मैं चाहता हूँ कि अपने नगर परिषद से सभापति उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर जनता ने चाहा तो मुझे चुनाव कृपा करके उस जगह पर अगर पहुंचा दिया, इससे भी बड़ा संकट हम अपने सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से करवाने का कोशिश करेंगे। बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र के ठोकरदारा में 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इस अवसर पर श्री महाराज ने ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए तमाम बुराइयों से बचने का संदेश भी दिया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि देश और समाज को बेहतर बनाने की परिकल्पना बेहद आवश्यक है। समापन शिविर में अन्य प्रांतों से साधु संत, बाबा हरिद्वार से आए किशोर बाबा जी ने सत्संग के विचारों और उपदेशों को भी सामने रखा। आपको बता दें, इस अवसर पर सभापति प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने कहा कि देश सर्वोपरि है और धर्म और उसके प्रति आस्था भी बेहद जरूरी है। बता दें, सत्संग के माध्यम से बुराइयों को दूर करने का और एक महान संदेश भी दिया गया। ईश्वर, भगवान, अल्लाह सब एक है, यह मानने वाले पर निर्भर करता है कि आप उनसे अपनी आस्था किस तरह जोड़ते हैं। श्रद्धालुओं को प्रेम संदेश पहुंचाने का काम भी किया गया। बनमनखी के समाजसेवी विजेंद्र चौधरी ने तमाम श्रद्धालुओं के लिए चाय पानी की व्यवस्था भी की। बहरहाल, आपको बता दें कि इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से सराहनीय है। सभापति प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी कभी मेडिकल कैंप के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं बड़े बुजुर्गों को धार्मिक अनुष्ठान देकर उनके मन को शांति। निश्चित रूप से सभी कदम सराहनीय है। बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।